आपका आवाज में आज मैं आपको मिलवाने वाली हूँ द नेम दैट नीड्स नो इंट्रोडक्शन अर्पण खोसला जिनका ब्रांड नेम है खोसला का हौसला. वेलकम अर्पण. हाय मेघा, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो. वेलकम. सभी सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने करियर की शुरुआत कहाँ से. ओके सो ये करियर की शुरुआत एक्चुअली स्कूल में ही हो गई थी. सो मेरे टीचर्स को भी लगता था दैट आई हैव सम यू नो मेरे अंदर वो पैशन है ये चीज़ करने का. आई हैव सम टैलेंट कि मैं राइमिंग कर सकता हूँ अच्छी. इनिशियली इंसान राइमिंग से शुरू करता है पोइट्री एंड देन आप एक्सप्लोर करते हो टॉपिक्स. सो आई टू राइट आई थिंक 8th 9th में मैंने शुरू किया था लिखना. फिर उसके बाद डाइवर्स टॉपिक्स पर लिखना शुरू किया, थोड़ा व्यंग लिखना शुरू किया, कटाक्ष लिखना शुरू किया एंड ऐसे जर्नी चलती गई. बट देन मैं उस टाइम इंग्लिश में लिखता था बहुत ज़्यादा और 12th तक मुझे रियलाइज हुआ कि अपनी वो कैब इतनी फैब तो है नहीं. तो सो कॉलेज में आए. कॉलेज में आई थिंक हम फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में भी वी वेंट टू अ ट्रिप गोवा जैसे सब लोग हम जाते हैं यू नो. हम भी गए थे अपना. तो वहाँ पर एक सीनरी थी मतलब जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी मेरे लिए. तो वहाँ पर ऐसे एक बीच पे थे हम कैंडलिंग बीच पे. तो वहाँ पर चांद 2 तारों के बीच में था. तो उसको देख के मैंने अपनी पहली आई थिंक लेजिटिमेट हिंदी कविता लिखी थी जो कि मेरे दिल के बहुत करीब है. आई थिंक वहां से एक्चुअली हिंदी कविता की जर्नी शुरू हुई मेरी. ओके तो वो सीनरी काफी इंस्पायरिंग थी. बिल्कुल. तो अब मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूं वो जानने के लिए जो आपने पहली कविता लिखी थी. तो मैं वो कविता आपके दर्शकों को सुनाता हूँ. उस कविता का शीर्षक था इस समंदर से आज ये दिल कुछ कहता है. कि समंदर से आज ये दिल कुछ कहता है कि क्यों यूं तू बार बार आता जाता रहता है. इस समंदर से आज ये दिल कुछ कहता है कि क्यों यूं तू बार बार आता जाता रहता है. चाहता तो हूं बस तेरे पास रहना दिल इसका गवाह है. चाहता तो हूं बस तेरे पास रहना दिल इसका गवाह है. फिर भी तू लौट जाता है क्या तू भी इंसान है. मध्यम मध्यम हवा आंखों पर पड़ती है आंखों के बहाने ये दिल से लड़ती है. मध्यम मध्यम हवा आंखों पर पड़ती है आंखों के बहाने ये दिल से लड़ती है. दिल की तन्हाई प्यार को तरसती है पर थक हार कर बस आंखों से बरसती है. तो ये चंद पंक्तियां हैं उस कविता की. तो ये आपके दर्शकों के लिए सुना जाना था. मुझे पता चला है 8 महीने पहले आपने जॉब छोड़ी. तो क्या आप अपने इस पोएट्री को फुल टाइम करियर बनाना चाहते हैं. जॉब छोड़ने का एक्चुअली रीजन बहुत डिफरेंट था मेरा. मतलब एक लाइफ की मेरी एक फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम थी जो सबकी नहीं होती कि आई थॉट आई वाज वर्किंग विद एयरटेल. आई वर्क देयर फॉर 20 मंथ्स एंड देन आई रियलाइज कि यार मेरी लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब पैसा ज्यादा आ रहा है इस जॉब से और काम कम है. सो दैट वाज माय फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड ऑल्सो आई डिड नॉट सी माय सेल्फ गोइंग एनीवेयर विद द जॉब. मुझे लगता था कि दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी समवन एल्स इज परहैप्स. तो उस टाइम मैं ऐसे सोचता था कि एक शब्द होता है खुए जिस्त मतलब आदतें जिंदगी. तो ऐसे तब सोचता था कि एक अजीब खुए जीस्त लगी इसे छुड़ाऊं कैसे. इंसान फिलोसफिकल हो जाता है जब ऐसी चीजें दिमाग में आती है छोड़ने की जॉब रिजाइन करने की. एक अजीब खुए जीस्त लगी इसे छुड़ाऊं कैसे काम कम काफी रकम इसे उड़ाऊं कैसे. सो ये सब सोचते सोचते घर वालों ने बड़ा रोका लेकिन आई टुक द स्टेप आई रिजाइन फ्रॉम माई जॉब. उसके बाद एक दिमाग में आया कि कुछ करते हैं. अब जो आपने एक बड़ा डिसीजन ले लिया है. पोइट्री चल रही थी अपना पोइट्री आई वॉज परफॉर्मिंग आई वॉज गोइंग टू अ लॉट ऑफ इवेंट्स और चल रही पोइट्री अपना काम कर रही थी. बट मुझे अपने टेक्निकल फ्रेम ऑफ माइंड के लिए भी कुछ चाहिए था. सो आई वॉन्टेड टू बी अ पोएट प्लस एन एंटरप्रेन्योर. तो एक स्टार्टअप का आइडिया जैसे सबकी स्टोरी होती है कि हम ऐसी जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन के नीचे बैठे हुए थे. सो आई एंड 3 ऑफ माई फ्रेंड्स तो हमने एक आइडिया इंसेप्ट किया. सो इट इज कॉल्ड गेम ऑफ प्रेडिक्शंस. अभी इसी महीने में हम लॉन्च करने वाले हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू टॉक अबाउट इट. इट्स कॉल्ड गेम ऑफ प्रेडिक्शंस GOP. एक बहुत सिंपल चीज है. हम इंडियंस की सबसे ज्यादा क्या होते हैं ओपिनियंस. हम हर चीज में डाइवर्स ओपिनियंस होते हैं. तो इन्हीं ओपिनियंस को प्रेडिक्शन में कन्वर्ट कीजिए. जो भी न्यूज में टॉपिक्स आ रहे हैं चाहे वो बिजनेस पे हो स्टॉक मार्केट पे हो स्पोर्ट्स पे हो टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स जिस पे भी आप सोचते हैं हर किसी के लिए इट्स काइंड ऑफ अ फैमिली गेम. सोशल प्रेडिक्शन ऐप है. आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे आप उन पे प्रिडिक्ट कीजिए अपने सोशल ग्रुप्स को चैलेंज कीजिए एंड इनाम जीतिए. जो हमें सबसे अच्छा लगता है तो इनाम जीतिए आप उस पर. और आई थिंक मैं अपने बॉस को एक शेर सुना चाहता था जाने से पहले जो कि नहीं सुना पाया. ऐसे इंसान सोचता है ना एक आखिरी ख्वाहिश जो होती है. तो उनको सुनाना चाहता था कि यूं तो पर्क्स बहुत हैं मौजूदा नौकरी में
यूं तो पर्क्स बहुत है मौजूदा नौकरी में, पर अब सोचता हूँ कि कुछ और मीठा हो जाए। आपने जॉब भी छोड़ दी, आपका खुद का स्टार्टअप है, तो क्या फैमिली आपको सपोर्ट करती है? फैमिली का देखिए ऐसा है कि फैमिली को आप कुछ भी कीजिए, आप एकेडमिक में कीजिए या ऑफबीट प्रोफेशन कीजिए, उनको प्रमाण चाहिए, उनको चाहिए कि आप कुछ वहाँ पर भी सॉलिड कर रहे हैं। तो मैंने जब मैं कॉलेज के टाइम से को करिकुलर में बहुत आगे हूँ, स्कूल के टाइम से इनफैक्ट, बट कॉलेज में मैंने स्ट्रीट थिएटर बहुत किया है, मतलब बहुत ज्यादा किया है, तब भी फैमिली कहती थी कि क्या है ये, पूरे टाइम तुम बाहर नाचते गाते रहते हो। तो मेरे घर वाले थोड़े पंजाबी हैं तो थोड़ा इज्जत कम करते हैं इन सब चीजों की, कहते हैं कि तुम तो भांड की तरह बाहर घूमते रहते हो पूरे टाइम, उनके अपने उनकी अपनी लिंग है इन चीजों में, बट आई थिंक दे मेक अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी देयर, बट आई थिंक वो उनका फन एलिमेंट है, मैं उससे भी कॉन्टेंट निकालता रहता हूँ। तो तब स्ट्रीट प्ले करते थे, तब उनको प्रॉब्लम थी कि भाई लड़का इंजीनियर बनेगा, इंजीनियर बन भी पाएगा या नहीं, बट फिर प्लेसमेंट लग गई, तब देन दे वर लाइक ओके आई गोइंग टू एयरटेल, तो आफ्टर 20 मंथ्स बट आई रिजाइन। तो नाउ दे आर लाइक कि अच्छा पोइट्री तो कर ही रहा है, फिर स्ट्रीट प्ले भी करता था, अब इसको पोइट्री को अपना करियर भी बनाना है और साथ में स्टार्टअप भी कर रहा है। सो बेसिकली दे थिंक घर वालों की तो ये रहता है ना कि आप पब्लिक जॉब में जाइए, PSU में जाइए, तो आपको दे वॉन्ट स्टेबिलिटी एंड दे थिंक दैट आई रिपेल दैट। तो मैं स्टार्टअप करना चाहता हूँ और अपना पोइट्री करियर है, तो बेसिकली जो मेरा फॉल बैक है वो भी अनसर्टेन है लाइफ में। तो ये दो करियर है, बट आई थिंक दे हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थोड़ा कि यू नो ये कुछ कर लेगा, मतलब अगर ये इसने ठान लिया है ना थोड़ा सा भी, अगर इसने ठान लिया था जॉब छोड़ना, सो आई वॉज एट अ गुड पैकेज, सो देयर माई मॉम वॉज लाइक कि ऐसा कौन छोड़ता है, मतलब अच्छी प्राइवेट कंपनी में आपका अच्छा पैकेज भी है और आप अच्छी पोजिशन पे भी हैं और आपका स्केल अब ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी वहाँ पर। लेकिन उनको लगा कि भाई एक धड़ल्ले से लड़के ने छोड़ दी जॉब। अब उसके बाद नाउ दे रियलाइज कि मैं उनको डायलॉग्स भी ऐसे बोलता हूँ कि एक दिन आप देखना आप टीवी के इस तरफ ही होगे, मैं उस तरफ चले जाऊँगा, मतलब वो चलता रहता है कि फन एलिमेंट्स है। बट आई थिंक अब उन्होंने थोड़ा रियलाइज करना शुरू किया है कि पोइट्री इज द थिंग दैट विल मेक मी ट्रैवल द वर्ल्ड, बिकॉज दे थिंक दे नो दैट आई हैव टैलेंट, वो अप्रिशिएट भी करते हैं, मॉम तो सामने सामने अप्रिशिएट करती, कभी कभी रात को उनको कविताएं सुनाता हूँ, कभी कभी मतलब जब आते हैं परफॉर्म करके, पापा कहते हैं कि मुझे तेरी बातें समझ नहीं आती, तो मैं इतना इंटेलेक्चुअल बातें नहीं सुन सकता, तो ठीक है मतलब सब अपनी तरफ से चल रहा है। लेकिन मैंने देखा कि इस पर मैं उनको एक शेर सुना देता हूँ कभी कभी, मैं हर बात आई थिंक मैं पोइट्री की लैंग्वेज में बात करता हूँ मोस्ट ऑफ टाइम, तो इस पर मैंने ऐसे एक चीज लिखी हुई है कि फिर मोहब्बत हो गई मुझे एक नए सपने से, फिर मोहब्बत हो गई मुझे एक नए सपने से, फिर दुश्मनी मोल ली मैंने एक पुराने अपने से। You call yourself as a comedian. तो इस टर्म का मतलब क्या है? Comedian मैंने, because I attend slam poetry events as well, जो English में mostly रहते हैं, मैं मुशायरे भी attend करता हूँ जो हिंदी उर्दू के होते हैं, और मैं stand up भी देखता हूँ और करता भी हूँ, इनफैक्ट मैं उनके इवेंट में जाता हूँ। तो आई थिंक आई एम द ब्रिज बिटवीन पोएट्री एंड कॉमेडी, सो दैट इज वाई कॉल माई सेल्फ अ कॉमेडियन, विच इज पोएट प्लस कॉमेडियन। तो इसी बात पे आप मुझे कुछ अपनी फेवरेट पोएम्स की लाइंस सुनाइए। हाँ, तो एक मैंने बहुत ही खराब शेर लिखा हुआ है, तो बहुत ही खराब, मैं सुनाता हूँ कई जगह, इस पे कभी बवाल भी हो चुके हैं इस पे। शेर कुछ यूं है कि एक इंसान जो जिंदगी में पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है, मेरी तरह मैं बिल्कुल डिपेंडेंट हूँ, उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से होती है। तो इस पे एक शेर है माँ पे, बहुत ही खराब शेर, कि मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर। आप समझ सकते हैं ये क्या कहा जा रहा है, कि मेरी माँ जैसे सुट्टे का फिल्टर, के पता है आगे की दुनिया जल रही है, फिर भी वो मुझे बचाती चल रही है। एक ये शेर है, और एक मेरे दिल के बेहद करीब है, कविता नहीं है नज्म कह लीजिए, नज्म है कि मैं कविता क्यों करता हूँ पहली बार, तो मुझे अपने आप को समझाने के लिए एक बार कभी लिखी थी कि कुछ लोग स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं, कुछ पुराने सिक्के तो कुछ पुरानी तस्वीरों के कोलाज बनाते हैं, कुछ लोग स्टैम्प्स इकट्ठे करते हैं, कुछ पुराने सिक्के तो कुछ पुरानी तस्वीरों के कोलाज बनाते हैं, मैं सिर्फ तालियां बटोरना चाहता हूं, मैं सिर्फ तालियां बटोरना चाहता हूं, क्योंकि ताली बजाते वक्त दाएं और बाएं हाथ के बीच में जिस हवा का दम घुटता है, बस उसी से मेरी कविता की सांसों में सांस आती है। अब इतनी अलग सी पोएट्री लिखते हैं तो जाहिर सी बात है आप इवेंट्स भी जाते हैं, और इसके साथ आपकी मेमोरेबल इंसिडेंट्स भी होंगे, तो प्लीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए ना।
तो मेरे काफी ज्यादा ऐसे मेमोरेबल इंसिडेंसेस हैं एंड आई थिंक मेरे काफी सारे इवेंट्स लाइंड अप भी हैं अभी दिल्ली के अंदर. सो वी आर डूइंग, अब हम टिकटेड शोज भी कर रहे हैं, बट एक पर्टिकुलर वेन्यू है मेरा गुड़गांव में, इट्स इन सेक्टर 15 फेस 2 हुडा मार्केट. तो वहां पर हम हर मंडे जाते हैं, तो वहां पर कंसेक्यूटिव मंडे में मेरे साथ बहुत ही अलग तरह की घटनाएं हुई. सो मैं एक इवेंट से जा रहा था, सो आई परफॉर्म, सो आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स देयर. उसके बाद फिर मैं जैसे निकल रहा था तो वहां पर एक लड़की आई, कहती कि विल यू हैव अ ड्रिंक विथ मी. तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा कोई रिफ्यूज ऐसे करता नहीं है. तो मैं गया वहां पर, मैंने कहा ओके. तो वहां वो बैठी हुई थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ और साथ में उनके और दो लोग थे जिनको वो यू नो ऐसे सेट कराने आए थे वहां पर. तो मुझे लगा कि चलो बैठे हैं, उन्होंने कहा चलो हमें एंटरटेन कीजिए. तो आधा घंटा बैठ के वो लोग शराब पी रहे हैं, हम उन्हें एंटरटेन कर रहे हैं. तो और उसी इवेंट में, सेम इवेंट के अंदर अगले हफ्ते परफॉर्म किया अगेन. आई थिंक इट वाज अ फेयर गुड इनफ रिस्पॉन्स. तो वहां पर एक मेल आए 35 ईयर्स के, वो कहते आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कैन आई बाय योर ड्रिंक. तो अब इंसान इतना ऑकवर्ड हो जाता है कि क्या बोले इसमें, कि कैसे कैसे डिस्क्राइब करे. तो मेरे दोस्त पीछे बोले हाँ कर ले एंड मतलब वो एक बहुत ही मेरे जहन से निकलता नहीं है वो इंसिडेंट. आई थिंक इट्स काइंड ऑफ आपके साथ, हाँ इट्स काइंड ऑफ मेमोरेबल इंसिडेंट. जाते जाते हमारे दर्शकों को और इस प्रोग्राम के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपका ये प्लेटफॉर्म आवाज एक बहुत ही अच्छा मंच है उभरते हुए कलाकारों के लिए. तो आपके स्वैग से भरे प्लेटफॉर्म के लिए एक स्वैगरस वाला शेर की आवाज के लिए, कि ये सब्र नहीं सब करना चाहते हैं, ये सब्र नहीं सब करना चाहते हैं, अपनी दो गज जमी को गजब करना चाहते हैं. थैंक यू सो मच अर्पण फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर प्रोग्राम. थैंक यू, इट इज अ प्लेजर कमिंग हियर. ये था हमारा प्रोग्राम आवाज. हम फिर से रूबरू होंगे एक नई पर्सनालिटी के साथ. टिल देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल सोच प्रोडक्शन एंड प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा. सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.